बात। बिगड़ी बनाने वाला हो, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और आज है 14 अगस्त यानी कि मेरा बर्थडे। तो आज सोमवार भी है सावन का। सुबह हमारे एक आचार्य जी अरैल घाट पे रुद्राभिषेक करते हैं, जो कि एकदम भोर में करते हैं। 5:30 बजे स्टार्ट हो गया है और अभी हम लोग थोड़े से लेट हो चुके हैं, 6 बज रहा है। क्योंकि कल मैं वाटरफॉल्स गया था तो बहुत ज़्यादा थक गया था और एकदम गहरी नींद में सोया, तो उठने में थोड़ी सी दिक्कत भी। तो चलो मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं, आज मेरा बर्थडे है तो, और उसके बाद चलते हैं रुद्राभिषेक अटेंड करते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे संगम के जल में रुद्राभिषेक होता है। चलो चलो मम्मी, चरण स्पर्श। हैप्पी बर्थडे बोलेगा कि नहीं कोई क्या। चलिए चरण स्पर्श, खुश रहो, हैप्पी बर्थडे। तो अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं द शादीशुदा बॉय वेजिटा भाई के यहाँ, जो कि बहुत रेयर दिखता है हमारे ब्लॉग में। जैसे गौरैया पक्षी जो है बहुत कम दिखती हैं, वैसे ये ब्लॉग में कम दिखते हैं। तो द शादीशुदा बॉय इज हियर विद ऑल। हे शादीशुदा बॉय, हाउ आर यू। चले की बहुत 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 है बहुत बहुत है बहुत बधाई भाई। धन्यवाद भाई, मस्त रहो एकदम, चौचक कमाओ धमाओ, रात करो इलाहाबाद, पूरे दुनिया में राज करो। भगवान ऐसे ही बनाए रखे तुमको और लोग प्यार देते रहे हमारे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चला जाए रुद्राभिषेक संगम किनारे अरैल घाट पर। आपको दिखाते हैं आचार्य जी का हमारे, तो चलो देखो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अरैल घाट पे। यहाँ पे संगम के बीचों बीच देखो रुद्राभिषेक हो रहा है। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे वैभव के साथ आखिरी सावन में, लेकिन इस बार होपफुली आखिरी सावन नहीं था ये। प्रयागराज में सिर्फ आचार्य जी कराते हैं सर, और बहुत ही अलग वाइब होती है। तो आइए जन्मदिन के मौके पर रुद्राभिषेक का आपको थोड़ा सा वर्चुअल व्यू दिखाते हैं। धर्म काम अर्थ मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा विशेषतः सौरभ पांडे नाम यजमानस्य जन्मोत्सव समय दीर्घायु आरोग्यता रुद्राभिषेक पूजनम अहम करिष्ये। जस्ट दोस्तों रुद्राभिषेक किया और अब श्रृंगार होने वाला है। बोले वो बताओ भैया वैभव, बर्थडे की इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती क्या? हमने करवाई। मतलब प्लान हुआ था 2-3 दिन पहले का ही, तो मैंने बोला बर्थडे के दिन करेंगे, इससे बढ़िया तो मौका ही नहीं हो सकता। और क्या, सोमवार का दिन और अभी श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार दिखाते हैं, आरती अटेंड करते हैं और फिर यहाँ से घर चलते हैं। मन कामेश्वर चला जाएगा। हाँ मन कामेश्वर चलेंगे, डन डन डन। कुछ खा पी लेंगे थोड़ा सा, हाँ भूख लगी, नाश्ता करेंगे चौचक वाला ना। यादव जी के यहाँ ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, बोले
नाथ से नहीं डाला कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। तो भाई साहब पूरा यहाँ पे पैंट भीग चुका है, लेकिन भाई जो आनंद है ना, असली आनंद इसी का है, क्या बोले बाबा के साथ सावन में भीगने का। तो मन कामेश्वर तो हम नहीं जा पाए बिकॉज वहाँ बैरिकेडिंग्स लगे हुए थे, तो शाम को मन कामेश्वर दर्शन करेंगे। वैसे तो भोले बाबा के दर्शन हो ही गए, भोले बाबा ने बोला बेटा वहीं थे जहाँ तुमने दर्शन किए, पूरे संसार में व्याप्त, संसार में व्याप्त हैं, तो चाहे वहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ हैं हम ही। तो भोले बाबा के दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, फिर घर चलते हैं। अलग भीगे हुए हैं पूरा, हाँ पूरा पैंट वन भीगा हुआ है, लेकिन चलो हमारे अंकुर भाई। अभी हम लोग आ चुके हैं बेवकूफ मोटर्स पे और यहाँ देखो कितने सारे केक आ चुके हैं। तो अभी केक सजाया जाएगा घुमक्कड़ प्रयागी का, हर लेटर के एक केक ना, तो 17-18 यहाँ केक है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी केक किसी के मुंह पे लगाएगा नहीं, क्योंकि खाने वाली चीज ना गंदा, वो मतलब खाने का ही काम है, लगाने का काम ना है, क्योंकि पसीना वसीना लग जाता है ना, तो पसीने के साथ गंदा होता है ना, खट्टा हो जाता है मैटर, तो खाने वाली चीज खानी चाहिए। और केक जो बचेगा उसको चलेंगे बांटेंगे लोगों में, लोगों को खिलाएंगे, हाँ, और गंदगी नहीं फैलाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो ये देखो भाई यहाँ पे देखो ए पूरा मतलब निकलेगा और कार पे केक काटा जाएगा, पूरी यहाँ पे जो है ब्रांडिंग हो रही है भाई की। बाकी हमारे मृदुल भाई और वैभव भाई भी आ रहे हैं, तो बस उनका वेट कर रहे हैं, उन लोग आ जाए तो फिर केक काटते हैं और सिस्टम टाइट करते हैं। आज बिग बॉस का रिजल्ट भी आना है। तो यहाँ पे दोस्तों घुमक्कड़ प्रयागी के सारे केक तो आ गए हैं, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी कोशिश है कि इस शेड के नीचे सारे लगाए जाए और मृदुल और वैभव के आने में टाइम है, तब तक जो है केक बह के जो है बाढ़ में स्वाहा हो सकता है, इसलिए इसको जो है देखते हैं व्यवस्था बैठाते हैं। राहुल भाई आ चुके हैं, और राहुल क्या हाल है? बढ़िया, नाइस, हैप्पी बर्थडे, थैंक्स। तो भाई ये फाइनली अपना केक आ चुका है घुमक्कड़ प्रयागी, लेकिन अपने जो है मृदुल और वैभव भाई नहीं आए, तो बस उन्हीं का वेट हो रहा है, जैसे ही वो लोग आते हैं तो केक काटते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे कैसे पार्टी होगी अपने प्रयागी अंदाज में। तो अंकुर भाई ने केक की व्यवस्था करी है और यहाँ पे सारे अपने भाई लोग आ चुके हैं, सूरज, राहुल, सैम भाई, ऋषभ भाई, विपुल भैया, अभिषेक, और हमारे जो है मानिकपुर से हमसे खास मिलने आए हैं, नाम क्या था, निशांक भाई, हाँ, तो इनका पेज है मानिकपुर वाले और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी 17 साल के हैं और 120 किलोमीटर दूर अभी इनको जाना भी है, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतनी कम उम्र में इतना दूर मत अकेले सफर तय किया करें, इतना प्यार है कि आना पड़ता है हम लोग को देखने के लिए। चलो भाई आराम से जाना, कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, लगा देखिए ना मिल पाऊंगा आपसे, लेकिन मिल लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत हम्बल नेचर के यार, लगा था थोड़ा एटीट्यूड होगा ऐसा, एक दो बार मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता रहती है। तो फाइनली यहाँ पे अपनी जान आ चुके हैं, ए इसने भी वही चीज बोली, वैभव भैया शादी के बाद मोटा आ गए हैं, कहाँ है मृदुल, अरे मेरी जान आ गया, मेरी जान आ गया, मेरा कौआ, मेरा छोटू, भाई नया नाम तुम्हारा क्या, कोई ना कोई ना, हैप्पी बर्थडे हमको विश कर दो, हैप्पी बर्थडे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे, ऐसे नहीं फैल चुके दोस्त है, इतना भी करो, कहाँ वैभव, बर्थडे सौरभ, ए वैभव गाना गा दो हैप्पी बर्थडे का मेरे लिए, कोई कैसा लग रहा है, ये क्या है, घुमक्कड़ प्रयागी, ओ भाई ये देखो ये चौचक भैया, कितने में दिया एक केक, तो भैया यार चिंता नहीं किया था, आ चुके भैया केक में, ये तुम्हारे लिए, चलो चलो इसके लिए जाओ भाई, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, मेरी है Happy birthday!
बोले भारत माता की जय। और कमिंग आई पर मानिक बुराई है आपने। जाते हैं तो तुम चापो खराब है का? नीचे नीचे हमें यार वो पटन मेरा पटन मेरा भाई देखो पहले चाचे तक ही हमारे चाचो लक्ष्मी इनका करके इंस्टा हैंडल है और होम बेकरी है इनकी, तो इसकी सारी डिटेल्स तो खैर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। केक आपको दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा केक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लक्की, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बहुत चौचा के बाबा सुबह से अराउंड 300-400 से भी ज्यादा कॉल्स, हजारों की संख्या पे मैसेजेस, बहुत सारे लोग विश करना चाह रहे थे, सबकी कॉल तो उठा पाना पॉसिबल नहीं था बिकॉज शूट भी था, एडिटिंग, व्लॉग, फिर मुझे कई जगह जाना आना, सारी चीजों की वजह से इन लोगों के भी कॉल्स नहीं पिक हो पा रहे थे भाई। तो कॉल्स मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं कोशिश करूंगा कि अराउंड आधा घंटा मैं इंस्टाग्राम पे लाइव रहूं और आधा घंटा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लाइव होते हैं, यूट्यूब पे तो आप लोग ब्लॉग देख ही रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। इसके एक में एक खास बात और है, हमारा ये देखो निकॉन का कैमरा भी बनाया गया है, तो ये बहुत क्यूट है। इसको यार इसको तो अभी नहीं खाएंगे, इसको एंड में खाएंगे, सबसे एंड वाला जो ये बाइट है। तो मैंने सोचा कि लाइव आते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, कुछ लोग को लाइव पे लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, और आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच आंटी, शरण इस पर, शरण इस पर, प्रणाम प्रणाम। जीत गया एलबी से यादव भैया। भैया भैया क्या कहेंगे आप? एलबी जीत गया आज भैया के बर्थडे पे, सिस्टम मिला दिया भाई चारों से। एक होता है ना कि जो है कुछ लोग का टाइम आता है, उसका दौर आ गया था। दौर भाई हर जगह है भाई साहब। तो शुरू जो है गाने का प्रोग्राम था इनका, तो अभी रात के लगभग 11:30 बजे तक कह रही थी कि जल्दी से फोटो खिंचानी फोटो खिंचानी, और मैं बिग बॉस देख रहा था, तो बिग बॉस अलवि शादी जीत चुका है। और
उस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी। आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी होगी। आज के ब्लॉग में हमने दिखाया आपको कि हमने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बहुत थक चुके हैं, नींद आ रही है भाई।